राजधानी रायपुर में पुलिस ने अवैध रूप से पिस्टल और कट्टा रखने वाले एक युवक को गिरफ्तार किया है, जहां समस्त पुलिस थाना प्रभारियों सहित साइबर यूनिट की टीम को अवैध रूप से पिस्टल और कट्टा रखकर घूमने वालों और उसकी अवैध तरीके से खरीदी बिक्री करने वालों के संबंध में जानकारी एकत्र कर तस्दीक किया गया। वहीं इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने और कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए, जिस पर समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों ने कार्य योजना तैयार कर इस पर प्रभावी रूप से अंकुश लगाने के लिए अपने अपने थाना क्षेत्र में मुखबिर के साथ ही पेट्रोलिंग और सूचना संकलन कर इस संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है। थाना सिविल लाइन क्षेत्र में एक युवक संदिग्ध अवस्था में घूम रहे घर की सूचना पर हमारी टीम और एंटी साइबर और क्राइम यूनिट ने जाकर के उसकी तस्दीक किया, तो उस युवक को पकड़ने से उससे एक देसी कट्टा बरामद हुआ। पूर्व में भी यह आरोपी NDPS एक्ट के तहत थाना थरसीवा में जेल से बाहर आया हुआ था और उस पर अभी आर्म्स एक्ट